कहते हैं कि जब किसी को अलविदा किया जाता है तो भारी मन से बोला जाता है, पर एनटीपीसी के परिसर में अब मुझे गुड बाय बोला जा रहा है तो सब लोग बहुत खुश हैं। इतने सालों से मैं धरती की सांसें रोकती रही और इधर उधर हर जगह गंदगी फैलाती रही। ना मैंने कोई ब्रेक लिया, ना ही कोई छुट्टी। अपनी पूरी टीम के साथ लगी रही, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया पॉलिथीन बैग ने, स्ट्रॉ ने, प्लास्टिक की कटलरी ने, ग्लास, प्लेट, मतलब मेरा पूरा सिंगल यूज प्लास्टिक का खानदान इसी काम में लगा रहा। लेकिन पता नहीं अब कैसा जमाना आ गया। वैसे तो मैं सालों साल तक जीती, पर अब लगता है मेरा दी एंड हो जाएगा। बहुत जल्दी ही एनटीपीसी के सभी परिसरों से, वहाँ के मीटिंग हॉल से, सेमिनारों से, दुकानों से, टाउनशिप एरिया से, अब हर जगह सब मुझे तेजी से भूल जाएंगे, क्योंकि पूरा एनटीपीसी संस्थान अब बन रहा है नो प्लास्टिक जोन। हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब, और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, अब स्वच्छता भी अपनाएंगे, एनटीपीसी को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। नो प्लास्टिक यानी अपनी धरती विल लिव लाइफ फैंटास्टिक। एनटीपीसी में सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ बैन, स्वच्छ होगा पर्यावरण, बेहतर होगा जीवन।